हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से अपने स्टाइल वाला दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी बनके बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाती है कुछ ही थोड़ी देर में, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने उड़द दाल और चना दाल ली है। उड़द दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी और चना दाल उससे कम क्वांटिटी में, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ मैंने इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं वॉश कर रही हूँ। इसी तरीके से आप अच्छे से वॉश करिए और उड़द दाल का छिलका बाहर निकाल दीजिए। वॉश हो जाने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है कुकर, उसमें मैं अपनी सारी जो दालें मैंने अच्छे से वॉश की हैं वो डाल दिया, और यहाँ पर मैंने एक चम्मच नमक डाला है। अपने स्वाद के अनुसार आप लोग भी डाल सकते हैं। और पानी डाल दीजिए, पानी डाल के इसमें ढक्कन लगाइए और सीटी लेने दीजिए। लगाने के बाद आपको मैं आगे दिखाती हूँ हमें दाल मखनी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, उसे ऐसे कट कर लिया, और ये दो टमाटर की प्योरी, ये है काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है ग्रीन चिली, मैंने जिसको ऐसे बारीक कट कर लिया, और यहाँ पे ये है जीरा पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया अपना सरसों का, और यहाँ तेल को गर्म होने के बाद हल्का सा यहाँ मैंने अपनी प्याज डाल दी है। हमें प्याज को ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो गई है लगभग। अब यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी अच्छे से मिक्स करें और इसे भुनाई करें। एक से दो मिनट लहसुन अदरक के साथ हमको प्याज को भुनाई करने के बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डाल के भी अच्छे से मिक्स करें और इसकी भुनाई करें। टमाटर के साथ भुनाई करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब इसको डाल के भी आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है और भुनाई करनी है। और यहाँ मैंने अपना नमक डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार अच्छे से डाल सकते हैं। तो बस इन सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करिए, मिक्स करिए और चलाते रहिए, और कवर करके पकने दीजिए ताकि टमाटर और का सारा कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ हमारा दाल एकदम बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल गल गई है यहाँ पे हमारी दाल। यहाँ मैंने दाल में मीडियम फ्लेम पे 5 सीटियाँ ली और लो फ्लेम पे भी 3 से 4। तो बस यहाँ हमारी जो ग्रेवी बन रही थी वो पक के एकदम तैयार हो रही थी, तो यहाँ मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी और ये हमारी दाल डाल दी। दाल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इसे मीडियम या लो फ्लेम पे पकने देना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ अपना गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। बस इन सबको को अच्छे से मिक्स करें, मिलाएं और पकने दीजिए। हमारी दाल वैसे ऑलमोस्ट बस रेडी हो गई, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा पकने देना है। कवर करके पकने दीजिए। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। यहाँ मैं डाल रही हूँ मक्खन बटर, इसको भी अच्छे से मिलाएं ताकि मक्खन डालते ही इसमें घुल जाए। वैसे तो वो घुल ही जाएगा क्योंकि दाल हमारी बहुत गर्म है इस वक्त। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ क्रीम। अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है तो आप अपने दूध में जो मलाई निकलती है उसे फेंट के आप क्रीम बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बस अब मैंने यहाँ पे ये क्रीम डाल के इसे भी अच्छे से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, और हमारा दाल मखनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इतने ही सिंपल तरीके से दाल मखनी बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, बड़े से लेके बच्चों तक को। आइए इसको सर्व करते हैं और घर वालों को भी खिलाते हैं। तो बस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।